हिजामा एक ऐसा तरीका इलाज जिससे मिले आपको 70 से जायद बीमारियों से निजात। अगर आप मुसलसल सर दर्द, हड्डी जोड़ों के दर्द की वजह से परेशान हैं, सजदे की नेमत से महरूम हैं और दवाइयां खा खा के तंग आ चुके हैं, तो आज ही हिजामा करवाएं और साथ ही जादू टोना जैसी बीमारियों से छुटकारा पाएं, वसवसों से निजात हासिल करें। फालिज से लेकर कैंसर तक के मरीजों के लिए बेहतरीन तरीका इलाज। हिजामा से अकल में इजाफा होता है, नज़र तेज़ होती है और ये दिल के मरीजों के लिए यकसाम मुफीद है। तो आइए आप जानते हैं कि हिजामा क्या है, ये कैसे होता है और इसको करवाने के कितने पैसे लगते हैं और कुरान और सुन्नत के हवाले से इसकी अहमियत और अफादियत क्या है। ऐसा शानदार इलाज है जो इस टाइम पूरी दुनिया में बेहतरीन इलाजों में शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GMTV और मैं हूँ इश्फाक मुश्ताक। आज हमारे साथ मौजूद हैं कपिंग थेरेपी एक्सपर्ट, हिजामा करने वाले सलमान मज़हर साहब। उनसे हम जानेंगे कि हिजामा की अफादियत क्या है और ये क्यों करवाना चाहिए और ये टोटल प्रोसेस भी हम इनसे देखेंगे कि ये किस तरह करते हैं ताकि अवाम के अंदर जो कुछ गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इश्फाक भाई, आपने आज मुझे इस हवाले से मौका दिया गुफ्तगू का। तो हिजामा जो है बेसिकली ये ऐसा शानदार इलाज है जो इस टाइम पूरी दुनिया में बेहतरीन इलाजों में शामिल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी चूँकि कोई दुनियावी रिसर्च भी नहीं है और दीन के ऊपर भी हमारी कोई इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है, अगर हम इसकी बैक पे जाते हैं तो ये हमारा सुन्नत इलाज के तौर पे है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज के मौके पे तशरीफ़ ले गए थे तो उस मौके पे जब आप हर आसमान पे जाते तो वहाँ पे जो इस्तकबालिया फरिश्ते होते थे वो उनसे पूछते कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने हिजामा कराया, तो आपने फरमाया नहीं, तो फिर फरिश्तों ने कहा कि आप हिजामा कराएं, सातों ही आसमानों पे आपको हिजामे का मशवरा दिया गया। इस हवाले से आपको मौलाना तारिक जमील के और मुख्तलिफ उलमाए किराम के इस हवाले से क्लिप भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, उनको भी आप डिटेल में देख लें। तो फिर उसके बाद आके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी हर महीने हिजामा कराया, उसके लिए कुछ सुन्नत तारीखें भी हैं, उनमें कराया जा सकता है 17, 19 और 21 तारीख में। उसके अलावा इलाज के लिए तो जब भी ज़रूरत हो उस वक्त इसे कराया जा सकता है। अब साइंटिफिकली मैं आपको इसका थोड़ा सा बताता चलूँ कि आज के दौर की जो रिसर्च है वो हिजामे के लिए क्या कहती है, सुन्नत पॉइंट ऑफ व्यू से हम हट के इसके इस पर बात करते हैं। उसमें यह है कि आज हमारी साइंस कहती है कि जो हमारे जिस्म के अंदर ब्लड का एक कतरा भी होता है ना, वो उसकी जो लाइफ है वो 120 दिन है, वेंस में वो जितने दिन चलता है वो 120 दिन के लिए चलता है, उसके बाद वो फासिद हो जाता है। फासिद होने के बाद वो आ जाते हैं हमारी खाल के अंदर टॉक्सिन की सूरत में। अब खाल से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है हिजामा। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में हमारी खाल की 3 तहें होती हैं और ये जो हमारी पहली जो स्किन की तह होती है सिर्फ इसको स्क्रैच करके, लोग समझते हैं एक हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है कि बड़े बड़े कट लगा के ब्लड निकाला जाता है, ये ब्लड नहीं निकाला जाता, बेसिकली ये टॉक्सिन होते हैं हमारे जो बाहर निकाले जाते हैं। स्टार्ट में हम इसको ड्राई कपिंग करते हैं, ड्राई कपिंग करने के बाद फिर उसके बाद दूसरा इसका जो प्रोसेस होता है हल्के से स्क्रैच लगा के फिर उसके बाद वेट कपिंग की जाती है। तो ये 3 ही इसके स्टेप हैं। इसमें जो ब्लड निकाला जाता है वो बेसिकली वेंस वाला कोई ब्लड नहीं होता, ये ब्लड होता है जो आपके फासिद होके आ चुका होता है, आपकी खाल में स्किन में आ चुका होता है और वहाँ पे वो इकट्ठा होके जब वो अपनी बॉन्डिंग मुकम्मल कर लेता है तो मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को कुछ, तो ये मुख्तलिफ उसकी जो है ना स्किन की बहुत सारी बीमारियाँ इसमें शामिल हैं। तो ये जो है फिर वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब दवाइयाँ जितनी मर्जी खाते रहें तो वो दवाइयों का सिर्फ इतना होता है कि रिलीफ मिल जाता है, सुबह दोपहर शाम आपको दवाई खानी पड़ेगी तो आप ठीक रहेंगे,
अदरवाइज़ बीमारियां तो आपके जिस्म के अंदर टॉक्सिन की सूरत में मौजूद हैं, वो तो आपके हिजामे की सूरत में बाहर निकल सकती। सर इसमें मतलब सुन्नत अयाम भी आपने बताया कि कौन से हैं, उसके अलावा इसकी अफादियत में मतलब जैसे बहुत से लोग हैं जो ज़यीफ़ हैं, इवन सजदे के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, तो क्या वो करवाने से वो भी ठीक हो जाते हैं? हाँ जी, उसमें कुछ ऐसा है कि एक ख़ास एज होती है जिससे पहले भी ये नहीं कराना चाहिए। जो हमने जब ये ट्रेनिंग की थी तो उसमें ये हमें समझाया गया था कि एक मिनिमम एज लेवल और मैक्सिमम एज लेवल भी है इसमें, तो वो चीज़ें भी मलहूज़ ख़ातिर रखनी होती हैं। लेकिन ये जो जोड़ों का दर्द है और जो आप सजदा वगैरह का कह रहे हैं, इस तरह के मेरे पास मरीज़ आते हैं और जब वो जाते हैं तो यहाँ से शिफा याब होके जाते हैं। अल्लाह के नबी का इलाज है, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि अल्लाह भी हक है, अल्लाह के नबी भी हक है और उनका बताया हुआ इलाज भी हक है। तो चलिए सर, अब हमें जो है आप करके दिखाएं हिजामा किस तरह करते हैं। मैंने भी करवाना है, लेकिन उससे पहले एक और भाई का देखते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह इसको बिल्कुल हम करीब से दिखाएंगे, तो आपने पूरी वीडियो को देखना है। अच्छा इशफाक भाई, ये सबसे पहले हमने जहाँ पे कपिंग करनी होती है उस जगह को हम पहले डिटॉल से क्लीन कर लेते हैं। ये सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है, इसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि ये सारा जो प्रोसेस है बड़ा हाइजेनिक हो, अगर हाइजेनिक नहीं है तो ये बड़ा डेंजरस भी साबित हो सकता है। तो हमेशा इसे एक्सपर्ट लोगों के ज़रिए ही कराना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने आपके सामने इसे यहाँ पे किया इस भाई को। तो ये जो पॉइंट है, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे हिजामा लगाने से मेरी उम्मत के उन 70 बीमारियों का इलाज है जिसका इलाज दुनिया के किसी और इलाज में मौजूद नहीं है। तो ये इस तरह के पूरे जिस्म के ऊपर तकरीबन कोई 145 पॉइंट्स हैं जिन पे हिजामा लगाया जाता है। ये मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट की अफादियत बता रहा हूँ, तिर्मिज़ी शरीफ में इसकी हदीस मौजूद है। यहाँ पे जो पॉइंट लगाया जाता है जहाँ इस जगह पे दो कांधों के दरमियानी जगह पे, यहाँ पे 70 बीमारियों का वो इलाज मौजूद है जो कि दुनिया के किसी और इलाज में नहीं है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे ड्राई कपिंग। यहाँ पे कप रख के हम इसको ड्राई कपिंग कर लेंगे, ये टॉक्सिन इकट्ठे करना शुरू कर देगा। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट का प्रोसेस है। ये यहाँ पे इसको, इसने टॉक्सिन को यकजा करना शुरू कर दिया। फिर हम इसको हल्के से स्क्रैच देंगे, कट नहीं लगाते होते, स्क्रैचेस कहते हैं उसे। अगर हम दोबारा इसको स्क्रैच करने के बाद यहाँ पे हम स्क्रैच करने के बाद अगर दोबारा कप नहीं लगाते तो ब्लड नहीं आएगा। ये 5 से 7 मिनट ये लगा रहेगा, फिर उसके बाद हम इसको उतार के हल्के से स्क्रैच देंगे। स्क्रैच लगाने के बाद दोबारा कपिंग करेंगे, वो वेट कपिंग कहलाती है। और ये जब हम हटा लेंगे इसके बाद, उसके बाद कोई ब्लड नहीं आना जिस्म से बाहर, ना ही कोई निशानात रहते हैं यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर हो जानी है जगह। हाँ, उस जगह पे कुछ दिन के लिए निशान रह जाते हैं, जैसे फॉरहेड पे हम लगाते हैं तो वहाँ पे कोई यानी स्किन के फौरन बाद गोश्त की तह नहीं होती, तो वहाँ पे कोई 3-4 दिन के लिए एक निशान रह जाता है। वो भी इस वजह से कि ये जो कप हम लगाते हैं इसका जो प्रेशर होता है उसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड इकट्ठा होता है उसका निशान होता है। वो 3 से 4 दिन लेते हैं, वो रिमूव हो जाता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको आप यूट्यूब पे इर्द गिर्द जहाँ देखें, बड़े मज़े की बात कि ये चीन के अंदर उनका कौमी इलाज है और जो हमारा सुन्नत इलाज है हम मुसलमानों का, और हमें इसका पता ही नहीं है। अलबत्ता बड़े शहरों में ऐसे है कि जैसे मुल्तान, लाहौर और इस तरह के शहरों में अब लोगों में ये ट्रेंड आ गया, वहाँ पे हिजामा सेंटर बने हुए हैं, लोग वहाँ पे हिजामा कराते हैं। छोटे शहरों में अभी इसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा सर, फर्स्ट टाइम जो कोई करवाएगा तो कितने आप पॉइंट्स पर, बॉडी के पॉइंट्स पर लगाएंगे? एक नॉर्मल इंसान को पहली दफ़ा कोई भाई करवा रहे हैं तो आप कम से कम कितने पॉइंट्स पर लगाएंगे? हाँ, उसके लिए हम जो है ना, जो मसनून पॉइंट है हम वो लगा देते होते हैं, वो तकरीबन 3 पॉइंट हैं। मसनून पॉइंट ऊपर वाले धड़ के लिए एक ये लगा देते हैं, फिर निचले धड़ के कवर करने के लिए ये वाला पॉइंट हम कर देते हैं, और सर के लिए हम फोरहेड पर लगा देते हैं आगे करके। ये 3 पॉइंट लगाने के बाद आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। और अगर फिर आपकी कोई बीमारी है तो फिर बीमारी के हिसाब से होता है,
अगर कोई और इशू है तो फिर उसके अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं। जैसे आपने चाइना का एक इलाज देखा है ऑक्यूपंक्चर का, उसमें पॉइंट्स बने होते हैं कि फलां जगह पॉइंट लगाएंगे तो वो उस बीमारी का इलाज है। इस तरह इसके भी पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट की अपनी अलग अलग अफादियत है। नॉर्मली कितने दिन बाद हिजामा करवाना चाहिए? हिजामा अल्लाह के नबी ने तो हर महीने कराया है, और उसके अलावा जब आप किसी लंबे सफ़र पे तशरीफ़ ले जाते हैं तो तब भी आपने हिजामा कराया है। तो महीने में एक दफ़ा हिजामा जो है ना वो कराना अपनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हिजामा कराने से पहले कौन कौन सी चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है? हिजामा कराने से पहले कुछ एहतियात है, वो ये कि जैसे आज आप आए हुए हैं अर्ली मॉर्निंग आपने ये सेशन किया है, इसमें इब्तदाई चीज़ यही है कि कुछ खाया पिया हुआ ना हो, और अगर दिन के टाइम में कराते हैं तो फिर उसमें 3 घंटे का कम से कम गैप हो, आपने कुछ खाया हुआ ना हो, कुछ खाया पिया हुआ ना हो, पानी भी नहीं पीना, हाँ जी कुछ खाया पिया हुआ ना हो, 3 घंटे यानी आपका मैदा खाली हो, तो उसके बाद ये हिजामा कराएं। ये इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, वैसे कराया जा सकता है लेकिन एहतियात बेहतर है कि 3 घंटे पहले कुछ ना खाएं पिएं। हिजामा कराने के बाद की एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं? उसके बाद जहाँ पे हम ये कप लगाते हैं वहाँ पे आप इसे अपनी फिंगर से ऑयलिंग कर लें, कोई जैतून का ऑयल या कोई इस तरह का वो लगा के, फिर आधे घंटे बाद आप नहा लें, फिर उसके बाद कुछ खाना पीना हो तो वो खा पी लें। इसके अलावा कोई ज़्यादा उसका वो एहतियाती तदाबीर नहीं है। गुसल करना भी? गुसल बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि ब्लड निकलता है, तो वो गुसल कर लेना चाहिए। और खाना कितने मतलब आराम भी करना ज़रूरी है? आराम तो जिसने हिजामा कराना है उसे नींद ही बहुत आनी है, उसने अच्छा। आराम करना है, कम अज़ कम आराम करना चाहिए 2 घंटे 3 घंटे जो है ना एक नींद ले लें 3 घंटे की। आप चार्जेस क्या लेते हैं इसके, क्या चार्ज करते हैं? इसके चार्जेस नहीं है, ये हम सदके जारिया के तौर पे कर रहे हैं। सिर्फ हमने इसका रखा हुआ है एक थोड़ा सा कि लोग जब वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट करा के जाएंगे तो उन्हें अफादियत महसूस नहीं होगी। हमने सिर्फ इसके 80 रुपीज़ फ़ी कप जो है ना हमने इसका रखा हुआ है, ताकि जो करा के जाए उसे ये फील हो कि मैंने कुछ पे भी किया है इसका तो मुझे रिलीफ़ हुआ है। अगर हम नहीं लेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं ये कोई फजूल सी चीज़ है जो मुफ्त में ही हो रही है। तो ये उस साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए हमने इसका थोड़ा सा वो रखा हुआ है, और वो भी हम एक बहुत बड़े कार्य खैर में लगाते हैं क्योंकि ये हमारा एक मिशनरी काम है, ये हमारा कोई प्रोफेशनल काम नहीं है। माशाल्लाह ये आपकी ग्रेटनेस है सर। अब हम यहाँ पे इनको स्क्रैचिंग कर रहे हैं, ये कट नहीं है जस्ट स्क्रैचिंग है। ऑलरेडी इस भाई का मसला है, इनकी स्किन का प्रॉब्लम है पूरी, आप स्किन के ऊपर देख लें हल्के हल्के से दाने बने हुए और एलर्जिक बॉडी है इनकी। तकरीबन कितने कट्स ये स्क्रैच करने होते हैं? ये तकरीबन हमने यहाँ पे लगाने होते हैं 60 जो है ना, हमने ये छोटे छोटे से स्क्रैच देने होते हैं एक कप के अंदर। देखना लोगों के जो अंदर जो गलत फहमियाँ हैं वो शायद क्लियर हो रही हैं, कि जो कहते हैं कि बड़े बड़े कट्स लगा दिए जाते हैं और ज़्यादा खून निकलता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये कोई सर्जरी हम नहीं कर रहे, ये भाई आपके सामने लेटे हुए हैं, इन्हें हमने कोई बेहोश भी नहीं किया हुआ, आपके सामने है ये। और ये सिर्फ जो हमने पहले इनको कप लगाया था ड्राई कप, उसने इस जगह को हल्का सा सुन कर दिया है। अब यहाँ पे हम हल्की सी स्क्रैचिंग करेंगे, कोई सर्जरी प्रोसेस नहीं है ये। ये स्क्रैचिंग हो गई, अब हम दोबारा इसको कपिंग कर देंगे। जो मज़ीद अब ये कितनी देर का प्रोसेस?
ये 3 से 4 मिनट हम इसे रखेंगे, जब तक हम देखेंगे कि ये ब्लड इन स्क्रैचेस से बाहर आ रहा है तब तक ये रहेगा, उसके बाद हम इसको रिमूव कर लें। अगर आपने आज तक हिजामा नहीं कराया, मसनून इलाज से आप वाकिफ़ नहीं हैं, तो आप ज़रूर आएँ, तशरीफ़ ले आएँ, हम आपका हिजामा करेंगे। आप उसके बाद फील करेंगे कि आप बहुत रिलैक्स हुए हैं। मेरे पास ब्लड प्रेशर के मरीज़ आते हैं, मेरे पास ये मुख्तलिफ़ बीमारियों में जकड़े हुए लोग, ख़ास तौर पे घुटने के मरीज़ और स्किन के हवाले से जो प्रॉब्लम होते हैं, चेहरे के ऊपर भी ये लगाए जाते हैं, एक्ने इशू जिनका होता है, तो वो सारे लोग आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होके जाते हैं। हमने इसको यानी मर्दों के लिए ये रखा हुआ है कि मैं करता हूँ, और हमारे पास ख़वातीन का इंतज़ाम भी है, वो भी संडे वाले दिन 7 से 10 बजे तक हम करते हैं। ख़वातीन का अलग सेटअप है, वहाँ खातून ही होती हैं जो हिजामा करती हैं, और मेल का अलग हमारा सिस्टम है। आप ज़रूर तशरीफ़ ले आएँ, आपके शहर में हमने ये एक सहूलत दी है, और मकसद ये है कि लोग सुन्नत के करीब आएँ, उस इलाज के करीब आएँ जो कि हमारा एक मसनून इलाज है, उसकी अफादियत पूरी दुनिया हासिल कर रही है, तो हम मुसलमान होने के नाते हम उसे क्यों महरूम रहें। तो जिस तरह का हमारा कम्प्लेक्स दौर है, ग़िज़ाएँ हमारी जिस तरह की हैं, और जिस तरह का हमारा टेंशन का दौर है, तो उसमें जो है ये अब आपके सामने देखेंगे कप जो है, इसमें सिर्फ स्क्रैचेस में, ये वेंस में से ब्लड नहीं आ रहा, ये जो ब्लड आ रहा है ये स्किन में से आ रहा है, और ये फिल होता जा रहा है। बाज़ का ये यहाँ तक भी आ जाता है, तकरीबन हाफ कप या हाफ से ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन उसके फौरन बाद जो कराने वाला होता है, हिजामा कराने वाला, वो बड़ा रिलैक्स फील कर रहा होता है, और दुआएं देकर लोग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को महसूस होता है कि एक बहुत बड़ी जो कमी थी इस शहर में, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई है। आज तक हम इस तरीके इलाज से बाखबर, मतलब बेखबर क्यों रहे, इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया गया, किसकी ज़िम्मेदारी थी, डॉक्टर्स नहीं बताते, या किसको बताना चाहिए था? मेरे ख़्याल में ये डॉक्टर्स की बजाय उलमाए किराम का काम था कि उन्होंने बताना था, लोगों को अवेयरनेस देनी थी, मसाजिद में बयानात के ज़रिए, जिस तरह हमारे जुमे के बयानात होते हैं, खिताबात होते हैं, और जनरल अवेयरनेस जो होती है उलमा के करीब, लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं, और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उलमा को ही देते हैं। कोई उनकी परेशानी हो, घर में कोई मसला हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, तो वो उनसे शेयर करते हैं, और उनसे अपना मसला जो है वो बयान करके पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में उलमा की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी थी कि उन्होंने बताना था, बताते भी होंगे, लेकिन चूँकि अपने पास शहर में इस तरह की सहूलत मौजूद नहीं थी, तो वो शायद कि ना बता सकते हों कि आप कहाँ जाएँ। अब उनके पास ये वीडियो देखने के बाद वो आएँ, मेरे पास आएँ, मैं इंशाल्लाह उन्हें उस हवाले से जो होगी, बल्कि हम उनसे रहनुमाई भी लेंगे, वो हमारे लिए गाइडलाइन होते हैं उलमाए किराम, वो हमारे पास आएँ, हम उनसे बैठेंगे, उनसे मज़ीद इस हवाले से जो मसनून अफादियत है वो हम उनसे समझेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस कराने वाले लोग जो मेरे पास 2 साल से आते हैं, मैंने इसको प्रोफेशनली बुनियादों पर नहीं किया था, वरना मैं ज़रूर इसको एडवर्टाइज़ भी करता, सारा कुछ करता, लेकिन चूँकि ये हमारा काम था, एक मिशनरी काम, तो हम इसको कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट अब तक कर रहे थे। अब हमने इसके थोड़े से चार्जेस रखे हैं, और चार्जेस रखने के फौरन बाद मुझे अब फील होता है कि इसका रिस्पांस बढ़ गया है। उससे पहले लोग समझ रहे थे ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमें मुफ्त में मिल रही है, कोई फजूल सी चीज़ है, हालाँकि ऐसा नहीं था। अब लोग मुतमइन होके जाते हैं, फीस थोड़ी सी दे के जाते हैं, तो उन्हें इत्मीनान होता है कि हमने इलाज कराया है। अब ये हमने कर ली, ये तकरीबन मुकम्मल हो गया, 3 से 4 मिनट का प्रोसेस था। ये आपके सामने अब इनका एक कप एक दफ़ा ही इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके बाद उसे वेस्ट कर दिया जाता है। अब इसे दोबारा पूछेंगे, भाई आपको कोई दर्द फील हुआ? नहीं।
बिल्कुल भी नहीं। इस कप का पेन इतना होता है जिस तरह हल्का सा कोई दबा रहा हो, और वो भी एक अच्छा सा मीठा मीठा सा दर्द होता है, राहत महसूस होती है। और अब इस भाई का दिल कर रहा होगा कि मुझे जो है ना यहाँ सुला दिया जाए, लेकिन हमने इसे यहाँ सुलाना नहीं है, इसको इसके घर ही भेजना है। ये घर जाके सोए और फिर जो है इस कप का, इस हिजामे का जो है, इसे जो फ़ायदा हुआ है उसको इंजॉय करें। हाँ जी इशफाक भाई, ये हम यहाँ पे अब आपके सामने कर रहे हैं, फोरहेड पे लगा रहे हैं एक पॉइंट। इस पॉइंट की बहुत ज़्यादा अफादियत है, ये तकरीबन आपका ये पूरा सर का, ये इस भाई को लग रहा है, इन्हें फील हो रहा होगा कि ये पूरे सर के ऊपर एक खिंचाव से ये फील कर रहे होंगे। यहाँ कप छोटा लगा है यानी कंपैरेटिवली, फोरहेड इनका थोड़ा सा जिस शेप इस तरह की है कि यहाँ पे छोटा लग सकता था, वरना हम थोड़ा सा इससे जो बड़ा पॉइंट है ये पॉइंट हम यहाँ पे लगाते होते हैं, लेकिन भाई का यहाँ पे था बाल आगे तक थे तो हमने इसको छोटा लगा दिया। तो इसके मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। हमारे करीब में एक हमसाए हैं, मैं उनका एक्सपीरियंस भी आपको शेयर कर देता हूँ। चौधरी नैयर अब्बास एक्स काउंसलर रह गए हैं, तो वो मेरे पास आए थे, उनको मैंने हिजामा किया यहाँ पे, उनका बड़ा कप लग गया था यहाँ पे। तो लगवाने के बाद मैंने उनसे उनका फीडबैक लिया कि आपने क्या फ़ील किया है, तो उन्होंने मुझे अगले दिन बताया कि मैं कुछ दिन से ऐनक लगवाने के लिए, चश्मा लगवाने के लिए मैं सोच रहा था, क्योंकि मुझे दूर से सही नज़र नहीं आता था, लेकिन हिजामा कराने के बाद अब मैं वो ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा। तो इसके बहुत सारे इस तरह के शानदार रिजल्ट्स हैं। बस वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमने चूँकि इस इलाज को अपनाया नहीं है, कभी हमारे पास होता हुआ नज़र नहीं आया, तो फिर उसके डेफिनेटली हमारे पास इतने ज़्यादा कोई रिजल्ट्स भी सामने नहीं है। जब एक इलाज होगा नहीं तो फिर उसका हमें पता भी नहीं होगा। तो ये हमने इनको अब कप लगाया है यहाँ पे, ये 3 से 4 दिन जो है इसका निशान रह जाता है, क्योंकि इस यहाँ पे फोरहेड पे एक हल्की सी गोश्त की तह होती है, हड्डी होती है, तो यहाँ पे 3-4 दिन निशान रह जाता है। तो इस भाई से लोग मुख्तलिफ पूछेंगे भी सही कि भाई क्या हुआ है, आपने क्या किया है, तो किसी ने मारा है आपको, या आपने यहाँ पे मेहराब बनवाया है। मेहराब वैसे नमाज से बनता होता है, लेकिन कुछ लोग बनवाते भी हैं। ये अब मेहराब जो है ना इनका 3-4 दिन के लिए रहेगा, फिर ये खुद ही रिमूव हो जाएगा। आजकल बहुत से लोग परेशान दिखाई देते हैं, जादू टोने तावीज़, तो मैंने सुना है उसमें भी इसका इलाज है, वो कौन सा पॉइंट है और इसके बारे में आप थोड़ा ज़रा बताएं हमें। हाँ जी, उसका हमने जब ट्रीटमेंट करना होता है तो उसके लिए हम पहले हलक कराते होते हैं, यानी सर पे उस्तरा लगवा लेते होते हैं, उसका पॉइंट यहाँ पे लगता होता है, जो बेसिकली उसका पॉइंट है वो इस जगह पे है। उसका मेरा पास का एक्सपीरियंस भी रहा है कि उसमें कुछ दोस्त ऐसे आए हैं जिनके इस तरह के इश्यूज़ थे। ये हमारे पास एक बीमारी मौजूद है मुआशरे में जाहिलियत की वजह से, जो कि हम मुसलमान हैं, हमारे ईमान है, इस तरह का काम करने वाला जो किसी के साथ ये काम करता है वो मुसलमान नहीं रहते, ये किसी मुसलमान का शेवा नहीं है। लेकिन चूँकि इस तरह के अलूम मौजूद हैं, होते भी हैं उनके असरात, तो वो दूर करने के लिए भी हिजामे के अंदर ही उसका इलाज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे एक हल्का सा देखे निशान बन गया है, अब यहाँ पे हम इनको हल्की सी स्क्रैचिंग कर देंगे, ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, बिल्कुल हल्के से स्क्रैच हैं। ये इशफाक भाई अगर आप देख रहे हो तो आपको महसूस होगा कुछ भी नहीं हो रही है। और जब इनका ये निशान रिमूव हो जाएगा 3 से 4 दिन बाद, तो एक जहन में आता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रह जाएगा, कोई हल्के से स्क्रैच रह जाएंगे, कोई निशान रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि इनकी ये जगह बाकी जो स्किन है उससे ज़्यादा क्लियर होगी। आपको YouTube पे एक वीडियो मिल जाएगी मौलाना तारिक जमील की, उन्होंने अपने
यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो कपिंग कराई हुई है। तो एक्नी के जो मरीज़ होते हैं हमारे पास, बच्चियाँ आती हैं, उन्हें हमारा फीमेल स्टाफ डील करते हैं, वो करा के जाते हैं जिनका एक्नी का बहुत ज़्यादा इशू होता है। अगर इन्हें पेन हो रहा होता तो ये इतने रिलैक्स ना बैठे होते। आपके सामने है ये भाई। जी भाई, पेन हो रहा है आपको? क्या फील हो रहा है? थोड़ा सा भी, मामूली सा भी दर्द नहीं हो रहा? बिल्कुल मामूली सा, बस कुछ भी नहीं। देखिए, अब तक कोई ब्लड नहीं था, अब हमने इनको दोबारा कपिंग कर दी है। अब इसमें से जो इनका टॉक्सिन होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाए। जदीद और बेहतर हाइजेनिक सा एक इलाज है। इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि ये जो आप ब्लेड इस्तेमाल करें या जो इसमें कप का इस्तेमाल है वो दोबारा इस्तेमाल ना हो, और ये फुली हाइजेनिक हो। इसमें किसी तरह की कोई यानी नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। बस ये दो पॉइंट लगाएंगे, एक और भी इन्हें एक और पॉइंट लगेगा और लगे। एक इनका हमने लगाया ये इसके लिए, सर के लिए। ये जो पॉइंट था ये मसनून पॉइंट है जिसकी अफादियत मैंने आपको भी बताई, ये ऊपर वाले धड़ के लिए। और एक हम नीचे लगाएंगे जो दोनों टांगों और निचले जो हमारा जिस्म है उसको कवर करने के लिए। ये तीन मसनून पॉइंट हर शख्स को हम लगाते होते हैं जिसे कोई बीमारी नहीं है, वो ये तीन पॉइंट लगवाए। बाकी अगर कोई और इशू है तो वो फिर वो हमसे शेयर करते हैं, फिर उसके मुताबिक जो कपिंग होती है वो। अब ये जितना आना था वो आ गया, इसके बाद अब नहीं आएगा। ये जब हम उतार देंगे तो उसके बाद कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, स्किन के ऊपर कोई एक निशान भी नहीं रहेगा। कप उतर गया, ये जो ब्लैक सा पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे निशान रह गया, ये 3 से 4 दिन निशान रहेगा, फिर उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये स्किन का ये हिस्सा बाकी हिस्से से ज़्यादा आपको नीट मिलेगा। सर दर्द के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और आइज़ के प्रॉब्लम के लिए ये बेहतरीन पॉइंट है। जो लोग सजदा नहीं कर सकते, नीचे जाते हुए उन्हें पेन होता है सर में, उनके लिए बेहतरीन इलाज है। इसी तरह गिरते हुए बालों के लिए भी सर मुंडवा कर उसके भी पॉइंट्स होते हैं, वो भी हम लगाते हैं। तो ये इनका मुकम्मल हो गया प्रोसेस। इस वक्त हमारे साथ एक भाई हैं, उनसे पूछते हैं जिन्होंने लास्ट वीक हिजामा करवाया, उनको क्या फ़ायदा हुआ है, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद अवकाश है, मैंने पिछले हफ्ते हिजामा करवाया था। सलमान साहब मुझे अक्सर कहते थे कि आप हिजामा करवाएं, तो मैंने पिछले हफ्ते हिजामा करवाया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैंने एक माथे का हिजामा करवाया था, एक कमर का करवाया था। मेरा काम है कंप्यूटर का, मुझे ना अक्सर आँखों में पानी आता था और धुंधलापन महसूस होता था, लेकिन इस हफ्ते मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मेरा जो आँखों का पानी था बिल्कुल ख़त्म हो गया है और धुंधलापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और जिससे मेरा बहुत सुकून हो गया, बहुत ज़्यादा बहुत फ़ायदे हिजामे के। और मैं इसी इतवार को दोबारा करवाने के लिए आया हिजामा, एक हफ़्ते में दोबारा वापस आ गया। तो मैं हर किसी को मशवरा दूंगा कि वो हिजामा करवाए, इसके बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा। जी तो नाज़रीन, आपने आज मुकम्मल तरीका देखा हिजामे का कि हिजामा किस तरह किया जाता है और उसकी अफादियत के बारे में भी जाना आपने। तो आप भी इसकी अफादियत को समझते हुए इसको लाजमी करवाएँ। देखें इंसान की कितनी परेशानियां हैं, हम इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, तो क्यों ना एक दफ़ा हम इस सुन्नत तरीके को भी आज़मा लें, तो आपको यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। और बहुत से लोगों के माइंड में कुछ गलत सवालात भी थे या गलत ख्यालात भी थे कि बहुत ज़्यादा अजीब कट लगाए जाते हैं, गहरे कट लगाए जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने इसको देखा भी, मज़ीद आप यहाँ पर एड्रेस भी आपको बता दिया गया है,
स्क्रीन पर नंबर भी शो हो रहा है, तो आप वहाँ पर रابطہ करके आ सकते हैं। हर इतवार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सलमान साहब अवेलेबल होते हैं, तो आप इनसे खिदमात ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।